काफी समय से अपनी आने वाली फिल्म सिम्बा के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश कर रहे करण जौहर और रोहित शेट्टी की तलाश आखिरकार खत्म हो गई है। हाल ही में रोहित शेट्टी ने सारा अली खान और करण जौहर के साथ एक फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट की है और इसमें उन्होंने लिखा है, सारा अली खान द सिम्बा गर्ल। आपको बता दें, पहले कई खबरें आ रही थी कि रणबीर कपूर चाहते हैं कि फिल्म में दीपिका पादुकोण को कास्ट किया जाए। उसके बाद जानवी कपूर को लेकर भी खबरें आ रही थी कि शायद जानवी कपूर सिम्बा में रणबीर कपूर के साथ काम करें, लेकिन अब फिल्म की लीड एक्ट्रेस की तलाश पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत केदारनाथ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थी और अपनी दूसरी फिल्में रणबीर कपूर जैसे सुपरस्टार के साथ काम करेंगी। यह खबरें आ रही हैं कि फिल्म केदारनाथ के निर्माता और निर्देशक के बीच अनबन होने की वजह से फिल्म की रिलीज में देरी हो रही है। इस वजह से सारा अली खान की डेब्यू फिल्म सिम्बा होगी, क्योंकि वह केदारनाथ से पहले रिलीज हो जाएगी। अगर सिम्बा की रिलीज डेट आगे ना बढ़े और केदारनाथ की रिलीज डेट में कुछ दिक्कत हुई तो सारा अली खान की डेब्यू फिल्म केदारनाथ नहीं सिम्बा होगी। पहले कहा जा रहा था कि केदारनाथ 21 दिसंबर को रिलीज होगी और सिम्बा 28 दिसंबर को रिलीज होगी, लेकिन केदारनाथ के निर्माता और निर्देशक के बीच हो रही अनबन की वजह से फिल्म की रिलीज डेट में देरी हो सकती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।